सो हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, तो हमेशा बढ़िया रहना। मैं हूँ आपका दोस्त रामकृष्णा और आप देख रहे हैं हमारा न्यू इंटरेस्टिंग चैनल रामकृष्णा ब्लॉग। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप सभी लोग हमारा वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाएँ। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी छोटा है और मैं आपको इस वीडियो में कुछ खास चीज़ें बताने जा रहा हूँ इको कार से रिलेटेड। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अगर इको गाड़ी को चलाते हैं, अपनी कार को भाड़े पर चलाते हैं, ओमनी कार को भाड़े पर चलाते हैं, कोई भी कार अगर है आपकी और आप उस कार को भाड़े पर चलाते हैं दोस्तों, तो भाड़े पर चलाने के बाद क्या कंडीशन होती है दोस्तों गाड़ी की, चलिए मैं आपको बैक कैमरे से बताता हूँ। मैं आपको सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि जो सवारी हमारी कार के अंदर बैठती है, जो भी सवारी भाड़े पर कार को लेकर के जाती है हमारी, पहले तो वो देखिए आपकी ये जो थका हुआ है दोस्तों, ये इतने गंदे लोग होते हैं दोस्तों गाड़ी के गाड़ी में जो बैठते हैं, वो गाड़ी के खिड़की से यहाँ से खिड़की से थूक देते हैं। और उनको ये पता होना चाहिए कि गाड़ी से हम यहाँ थूक रहे हैं, मतलब गाड़ी चल रही है और गुटखा खा रहे हैं और थूक रहे हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना गंदा लग रहा है। दोस्तों, मैंने धुला नहीं है, आप लोगों को बताने के लिए कि भाड़े पर चलाने के बाद गाड़ी की क्या कंडीशन होती है। देखिए, सारा पूरा बॉडी यहाँ से यहाँ तक गंदा है और ये कांच पे देख सकते हैं आप ये। और दोस्तों, ये तो रही साइड वाली बात की, यहाँ जो सवारी अंदर बैठी है गाड़ी की और वो इस खिड़की के द्वारा मुंह को बाहर निकल के गुटखा को थूक देते हैं, जो गुटखा खाते हैं, जो भी पान मसाला खाते हैं। और दोस्तों, हद तो जब कर दी कि यहाँ तक कि हमारे इस वाले कांच ने क्या ले रखा था लोगों का, कि हमारे साइड वाले गिलास पर देख सकते हैं आप दोस्तों कि यहाँ पर भी इन लोगों ने थूका हुआ है, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। और भी बातें बता देते हैं दोस्तों कि जो भी गाड़ी के अंदर सवारी बैठती है, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो खाना हो, कुछ भी हो, वो अगर गाड़ी के अंदर फैल जाता है तो हमें ही साफ़ करना होता है। सवारी तो साफ़ करती नहीं है, सवारी तो उतर करके चली जाती है। तो एक चॉकलेट पड़ी हुई है दोस्तों, डेयरी मिल्क जो आती है वो गिर गई थी, मतलब कि कुछ बच्चे खा रहे थे तो यहाँ पर वो गिर गई थी, तो उसका ये निशान है दोस्तों। और यहाँ पर गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है दोस्तों भाड़े पर गाड़ी को चलाने पर, क्या कंडीशन है दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप भाड़े पर अपनी गाड़ी को चलाते हैं। और भी देख दोस्तों, और दोस्तों ये जो हमारा साइड वाला स्लाइडिंग गेट है, जो हम स्लाइड करते हैं इस तरफ लेफ्ट राइट में यहाँ से पकड़ करके ये वाला, तो दोस्तों ये हमारा गेट भी ख़राब हो गया है। सवारी जो क्या करती है कि जो सवारी उतरती है उनसे अगर बोल देते हैं भैया गेट लगा दो, तो वो प्यार से तो नहीं लगाएंगे गेट, लगाएंगे तो, लेकिन इतना ज़ोर से गेट को लगाएंगे दोस्तों कि गेट चाहे साला टूट जाए अंदर से, कुछ भी हो, चाहे लॉक टूटे, कुछ भी हो, उन्हें उससे मतलब नहीं है, बस गेट लग गया। गाड़ी पूरी हिल जाती है जब वो गेट लगाते हैं। और मैं बताता हूँ कि गाड़ी का गेट सवारी कैसे लगाती है। तो दोस्तों, हमारा ये गेट भी ख़राब कर दिया है और ये लॉक जो है ये लॉक भी ख़राब है और यहाँ से ये गेट भी नहीं खुल रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ से अनलॉक कर दिया है और यहाँ पर ये इसको पकड़ के खींच रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा गेट पूरा जाम हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से गेट को पटका है, मतलब कि लगाया है सवारी ने, पूरा गेट जाम हो गया है और गेट हमारा खुल नहीं रहा है दोस्तों। सबसे बड़ा नुकसान तो दोस्तों ये है दोस्तों, यहाँ पर ये सिलेंडर रखा हुआ है, इसको पहले अलग कर देता हूँ, मैं लिटा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो गेट का गत्ता लगा हुआ था, साइड वाला गेट, जो गेट हमारा लॉक हो गया है, जो जाम हो चुका है, ये बाहर से भी नहीं खुल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लॉक को भी अनलॉक कर दिया है, फिर भी नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो गत्ता लगा हुआ था, गेट गत्ता भी हमारा तोड़ दिया सवारियों ने, गेट को पटक पटक के। इसके जो लॉक होते हैं दिख रहे होंगे आपको येलो कलर के, ये वाले, ये गत्ते के जो लॉक होते हैं फंसे होते हैं इसमें, तो ये लॉक निकल गए। और जहाँ से लॉक निकला उस जगह से गत्ता ढीला हो जाता है, फिर धीरे धीरे दोस्तों गेट लगता खुलता है, तो उस जगह से वो चटक गया दोस्तों बीच से। तो सवारियों ने क्या किया कि जब हमारा यहाँ से लॉक निकला तो ये वाला हिस्सा इधर फंसने लगा था, मतलब कि वो बाहर निकल गया था, तो जब गेट को हम खोलते थे ना तो इधर फंसता था, तो उन लोगों ने हाथ से पकड़ के तोड़ दिया दोस्तों। तो यहाँ से इतना गत्ता तोड़ दिया, मतलब कि हमारा फाड़ दिया। और आप देख सकते हैं कि इसको मैं लगवा भी नहीं पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, और लग भी रहा है तो दूसरे कलर का आ रहा है, मतलब कि इसी कलर का आ रहा है, ग्रे कलर का, ब्लैक कलर का मुझे चाहिए। देखिए, ब्लैक कलर का मुझे बहुत ही मुश्किल से मिल पा रहा है, अभी मैंने 2-3 जगह ट्राई किया हुआ है और मैंने बोल रखा है कि अगर ब्लैक कलर का गत्ता मिल जाए तो मैं इस तरफ का और इस तरफ का भी बदलवा दूँगा। आप देख सकते हैं इस तरफ का भी हमारा, ये देखिए दोस्तों,
ये लॉक है ना जो ये निकल जाती दोस्तों, तो इनको आप जब ज़बरदस्ती ठोकेंगे ना अभी तो ये लगते भी नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा उस तरफ का गत्ता दोस्तों ये निकल गया है दोस्तों। तो ऐसे ये ईको गाड़ी के जो गत्ते होते हैं ये गेट को क्या करते हैं सवारी मतलब कि जो ऐसे जैसे कि मैंने ये गेट खोला यहाँ पर दोस्त देखो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो सीट कवर है इसको भी निचोड़ा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ छेद कर दिया है, यहाँ भी अभी भी उंगली का निशान बना हुआ है ये वाला, और यहाँ पर सीट कवर को भी फाड़ दिया है दोस्तों। तो मैंने तो बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि वो पीछे जो सिलेंडर रखा हुआ हमारे सीट के पीछे वहाँ पर भी कुछ लोग गुटखा को चबा करके थूक देते हैं दोस्तों, तो गाड़ी की कोई कदर नहीं करता है दोस्तों भाड़े पर जब गाड़ी को लेकर जाते हैं। तो फिलहाल में हम गाड़ी को स्वयं चला रहे हैं, ड्राइवर भी नहीं चला रहा है, तब ये कंडीशन है दोस्तों, जब हमारी गाड़ी को ड्राइवर चलाएगा तो क्या कंडीशन होगी। तो फिलहाल में अभी हमें मुझे क्या करना है कि दोनों गत्ते चेंज करवाने हैं, और जिस दिन मैं चेंज करवाने के लिए जाऊंगा उस दिन मैं आपको वीडियो से बताऊंगा इस दोनों गत्ते की प्राइस। और दोस्तों जिस दिन हम गत्ते जो हमारे निकल चुके हैं इनको बदलवाने के लिए जाएंगे तो उस दिन ये गेट को भी सही करवाना है, क्योंकि गेट पूरा जाम हो चुका है, बाहर से भी नहीं खुल रहा है अंदर से भी नहीं खुल रहा है, मतलब कि जाम हो चुका है, लॉक हो चुका है। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है भाड़े पर गाड़ी को चलाने के बाद, आप लोगों ने देखा कि क्या कंडीशन होती है गाड़ी को अगर हम भाड़े पर चलाते हैं, लोग गाड़ी की केयर नहीं करते हैं, जितना भी केयर करेंगे हम ही करेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, कैसे गाड़ी खरीदी है ये वो लोग नहीं जानते इस चीज़ को, वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम गाड़ी को भाड़े पर लेके आए हैं और हमें गाड़ी की दुर्दशा करनी है, वो कैसे करनी है वो अब सब अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आप लोगों के पास भी गाड़ी होगी और आप लोग अपनी गाड़ी को स्वयं चलाते होंगे, कुछ लोग ड्राइवरी को मतलब कुछ लोग ड्राइवर रखते हैं और ड्राइवर से गाड़ी को चलवाते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को दोस्तों कि आप अपनी गाड़ी को स्वयं चलाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगी कॉस्टली होती है कार, जब सस्ती तो होती नहीं है कि किसी के भी हाथ में पकड़ा दो और कैसे भी दुर्दशा हमारी गाड़ी की कर दो, तो ये हमें बुरा लगता है। तो दोस्तों गाड़ी हमारी हमेशा साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, प्लस गाड़ी की जो कंडीशन दोस्तों हमारी आपने देखी है ये ऐसी कंडीशन, होप करता हूँ कि किसी की गाड़ी की ना हो, और हो तो दोस्तों पैसे भी अगर हम मांगते हैं ना तो पैसा देने में भी आनाकानी करती है पार्टी, तो दोस्तों कम पैसे भी देते हैं और गाड़ी की भी हालत ख़राब कर देते हैं। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, कि काफ़ी लोगों तक ये जानकारी और ये मैसेज पहुँचे कि गाड़ी की कंडीशन क्या होती है अगर हम गाड़ी को भाड़े पर चलाते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।